normal students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your vacation. Today we will start our GK World open page number 2828. Today our topic name is My Strength, Meri Taakat, Meri Quwwat. इसमें अब आपका देखें, मैंने आपको वो लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं, रेसेस होती हैं, आपको टीचर एक्टिविटीज करा रही होती हैं, उसमें क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ यूज हो रही होती है, जिससे पता चलता है कि आप में कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है, आप उस टास्क को, उस एक्टिविटी को कम्प्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देयर आर टू स्किल्स हियर, द फर्स्ट वन इज लिसनिंग एंड द सेकंड वन इज स्पीकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग? लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना. देन आई विल एक्सप्लेन द ELOs. Expected learning outcomes, show increasing control, ever their daily chores. What do you mean by this? इसका मतलब ये है कि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि जो आप दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, आपका जो है कंट्रोल होना चाहिए आप पे, कि आप जो काम कर रहे हैं आप खुद भी कर सकते हैं. जैसे आप देखिए, छोटे बिल्कुल छोटे होते हैं तो कैसे माँ जो है वो बच्चे को संभालती है, उसको चलना सिखाती है, उसको खाना सिखाती है, उसे बैठना सिखाती है. जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी स्टेज जरा बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है, तो क्या करता है बच्चा, खुद ब खुद उस चीज को करना स्टार्ट कर देता है. जैसे आप स्कूल जाना बच्चा स्टार्ट करता है तो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको उसकी मदर सब कुछ सिखाती है कि बेटा यूनिफॉर्म को कैसे वेयर करना है, शूज को कैसे वेयर करना है, आपने अपनी चीजों को पॉकेट्स में कैसे पुट करना है, आपने अपने सामान को कैसे पैक करना है, अपने बैग्स को कैसे पैक करना है. माँ पहले सब कुछ उसको गाइडलाइन देती है, सिखाती है. आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे वो मेच्योर होता जाता है, अपनी एज से ज्यादा होता जाता है, तो क्या है वो बच्चा वो काम खुद करना शुरू कर देता है. वो कहता है नहीं मम्मा, मैं ये सब कुछ खुद कर सकता हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे में इतनी कुव्वत है, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मम्मा मैं आपको करके दिखाऊं. इससे पता चलता है, नॉट फॉर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वॉच द वीडियो एंड हेल्प योर चाइल्ड टू कंप्लीट गिवन टास्क एंड एक्टिविटीज. QR कोड आपको दिया गया है जिसको आपने स्कैन करना है, उसमें आपको एक वीडियो दी गई होगी जिसको आपने देखना है और अपने बच्चे की मदद करनी है किसी भी टास्क या एक्टिविटी को कंप्लीट करने में. Develop a sense of responsibility for doing their tasks through performing daily easy tasks. पहले तो आप बच्चे में ये सेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी, ये एहसास पैदा करें कि बेटा ये काम जो है आप कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये करना है. आज कल क्या होता है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं अभी हमारा बच्चा छोटा है, हम ये नहीं. अगर आप इनिशियल स्टेज से ही बच्चे में ये चीज पैदा नहीं करेंगे, ये एहसास पैदा नहीं करेंगे जिम्मेदारी पूरी करने का, तो वो बड़े होके भी बच्चे में वो चीज डेवलप नहीं होती. तो बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर दिलाएं. Perform these tasks with the help of them mother, और ये टास्क जो है अपनी मम्मा की मदद से इसको आप कंप्लीट करेंगे, मेक अ शॉर्ट वीडियो, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे and send it to the teacher, और टीचर को सेंड कर देंगे. Put it with your activity when done. आप जो जो डन करते जाएंगे उस एक्टिविटी पे आप टिक पुट करेंगे और सेंड वाले ऑप्शन में इमोजी में आप कलर कर देंगे. अगर नॉट सेंड करेंगे, अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो नॉट सेंड में इमोजी में आप कलर कर देंगे. द फर्स्ट वन पिक्चर, आप देखिए आपके पास पहले पॉकेट बनी हुई है. पॉकेट में क्या होता है कि उसमें जो है बच्चे को आप पुट करना चीजें सिखाएंगे. मनी फर्स्ट भी आप देखेंगे, मनी जो है कैसे पुट करते हैं पॉकेट में, पेंसिल होगी, रेजर होगी, कुछ भी आपका बाहर रह जाता है तो पॉकेट में कैसे पुट करना होता है, क्योंकि बाजू का ऐसे होता है स्कूल जाते हुए इंसान लेट हो रहा होता है, तो क्या करते हैं आप जल्दी से क्या करते हैं बच्चे की पॉकेट में वो चीज पुट कर देते हैं कि बेटा ये आपने आगे जाकर अपने बाद में पुट कर लेनी है. Then shoes. Shoes आप देखेंगे बच्चा को वेयर करना सीखे भी कैसे पहनते हैं, उसके लेसेस कैसे टाई करते हैं. मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी एज से भी बड़े हो जाते हैं लेकिन क्या है हमको शूज के जो लेसेस हैं वो टाई नहीं करने आते. तो क्यों नहीं करने आते, क्योंकि हम उनको इनिशियल स्टेज से ये चीज सिखाते ही नहीं है, उनको बताते ही नहीं है कि बेटा आप में ये स्ट्रेंथ है, आप में ये ताकत है, आप इस चीज को कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज शर्ट. ये यूनिफॉर्म की भी हो सकती है. देखिए आप बच्चों को जो है हम क्या करते हैं इनिशियल स्टेज से वो इतना हैबिचुअल कर देते हैं कि नहीं मम्मा ने ही पहनानी, मम्मा आए आप पहनाए, आप यूनिफॉर्म वेयर कराएं, नहीं जाना हो नहीं मम्मा आप ड्रेस वेयर कराएं. आप इनिशियल स्टेज से जब बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तो उनको अपने पे उतना ही जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, उतनी स्ट्रेंथ पैदा होगी, उतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्डअप होगा कि नहीं हम लोग ये चीज कर सकते हैं. ओके द लास्ट वन इज ये देखिए अब आपने इसमें देखा है कि सामान जो है वो बच्चा अपना पैक कर रहा है और पैक करके रख रहा है. आप उनको सिखाएं, बच्चे को ये भी सिखाएं कि बेटा अगर आपने कुछ भी अपनी पैकिंग करनी है, लंच बॉक्स रखना है, बैग में कुछ भी पैक करना है, तो आपने उसको भी सेट करके रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है. ये नहीं कि बस आप एक दूसरे के ऊपर चीजों को रखते जाए, पुट करते जाए, चाहे वो आपका बैग जो है वो खराब क्यों ना हो जाए. नहीं, आपने उनको सिखाना है कि आपने जैसे स्कूल बैग की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नोटबुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होती है, कि आपने कौन सी चीज कौन सी पॉकेट में पुट कर रही है. तो आप ये सारी चीजें अवेयरनेस अगर
बच्चे को देंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे डालेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, तो तब ही बच्चा बड़ा होकर भी इस जिम्मेदारी में आएगा। अदरवाइज उसको ना जिम्मेदारी का एहसास होता है ना ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है कि मैंने ये वर्क करना है, ये मेरे जिम्मे है, मैंने इसको इस चीज को पूरा करना है। तो काइंडली अपने बच्चों को जो है जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं और ये सारी चीजें जो है उनमें डालें कि बच्चा बड़ा होकर ये सारी चीजें खुद से कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।